मुझे तुम्हें बिना कपड़ों के देखना है। विकास, तुम जानते हो ना मुझसे ये सब नहीं हो पाता है। ओह कम ऑन यार, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है क्या? अरे ऐसी बात नहीं है, आई लव यू। बस एक बार हमारी शादी हो जाए ना, फिर करेंगे ना ये सब। ठीक है, तुम ना मुझसे शादी के बाद ही बात करना, चलो बाय। अरे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, गुस्सा क्यों हो रहे हो? यार गुस्सा होने वाली बात ही है, तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं है। नहीं, आई ट्रस्ट यू। अच्छा रुको, मैं उतारती हूँ कपड़े। पूजा, ये क्या कर रही है तू? और फोन पर कौन है? तुझे कितनी बार कहा है कि ये लड़का तेरे लिए सही नहीं है, तू फिर इससे बात कर रही है? दीदी प्लीज, मैं अच्छे से जानती हूँ विकास कैसे है, तो आप उसके बारे में कुछ मत बोलो। पूजा मेरी बात समझ, हर लड़का एक जैसा ही होता है, और जो तू कर रही है ना वो किसी भी लड़की के लिए सही नहीं है। यू नो व्हाट दीदी, आप विकास के बारे में कुछ ना बोलो ना तो ही बेहतर है, मैं अच्छे से जानती हूँ वो कैसा है, समझी ना आप? पूजा, पूजा मेरी बात तो सुन। विकास, ये सब क्या फोटोज भेजी है तुमने? तुमने तो कहा था कोई स्क्रीनशॉट नहीं लोगे तुम। अगर मैं स्क्रीनशॉट नहीं लेता तो तुमसे पैसे कैसे मांगता? क्या मतलब? मतलब ये, तुम्हारे पास कल शाम तक का टाइम है, 2 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना, वरना तुम्हारे ये फोटो वायरल होते देर नहीं लगेगी। मैंने सोचा भी नहीं था तुम इतनी गंदी हरकत करोगे। दीदी तुम्हारे बारे में एकदम सही कहती थी, मैं ही पागल थी। सुन, अपना रोना बंद कर और पैसों का इंतजाम करने लग जा, और तेरे पास सिर्फ 2 दिन है, समझी तू? विकास, हेलो हेलो, दिमाग खराब है तेरा? मुझे मर जाने दो दीदी, मुझे अब नहीं जीना है। क्या हुआ, हुआ क्या है, बता मुझे। विकास, तुझ पे गुस्सा तो मुझे इतना आ रहा है ना कि मैं तुझे बता नहीं सकती, पर गुस्सा करने से ज्यादा जरूरी है कि विकास के फोन में जो फोटोज है ना वो डिलीट करने हैं। कॉल कर उसे। पर दीदी, जितना कह रही उतना कर, कॉल कर और फोन मुझे दे। हेलो बेबी, पैसों का इंतजाम हो गया? पैसे नहीं, अब तुझे पुलिस के डंडे मिलेंगे। कौन बोल रहा है? मुस्कान, पूजा की बड़ी बहन। और हाँ, तू चाहे फोन कट कर दे, पर पुलिस तुझे कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेगी, बच नहीं सकता तू। I'm sorry दीदी, मैंने आपको हर्ट किया। तुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और देखना पुलिस विकास को ढूंढ निकालेगी और तेरी फोटोज डिलीट हो जाएंगी। और मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगी, प्यार अपनी जगह है और सेफ्टी अपनी जगह। किसी भी इमोशन में आकर आप कोई भी गलत कदम ना उठाएं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। प्लीज ये वीडियो अपने बच्चों, परिवार, दोस्तों सबको दिखाएं ताकि वो इससे सबक ले सकें।